हर सुंदर साहब जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी स्वामी जी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात की। कई बार सुंदर साहब के मन में भी ये जिज्ञासा उठती है कि स्वामी जी जब बोलते हैं या जो उनका वक्तव्य होता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले सुंदर साथ को लगता है कि ये तो हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन हम एक बात को सदैव स्मरण रखें, श्री जी ने भी कहा था, कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार। एक वृक्ष को जब एक माली लगाता है तो उस वृक्ष का जो फल होता है वो केवल माली के लिए नहीं होता, वो पूरे संसार के लिए फल देता है। उसकी छाया प्रत्येक प्राणी के लिए है, वो हर पक्षी को निमंत्रण देता है, आओ मेरी डालियों पर, मेरी शाखाओं पर घोंसला बनाओ, सबको आश्रय देता है। उसी प्रकार यदि किसी के हृदय में करुणा जागती है, किसी के हृदय में प्रेम पैदा होता है, किसी के हृदय में अध्यात्म पल्लवित होता है, तो उसकी वाणी किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं रह जाती, उसकी बातें किसी एक वर्ग के लिए सीमित नहीं हो जाती। वो जब बोलता है तो पूरे संसार को संबोधित करता है, उसकी वाणी संपूर्ण जनमानस के लिए होती है। भले ही बौद्ध लोग कहें कि बुद्ध हमारे थे, भले ही जैनी कहें कि महावीर हमारे थे, भले ही हम कहें कि प्राणनाथ जी हमारे हैं, लेकिन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को, धर्म के वास्तविक स्वरूप को यदि हम जानेंगे तो यही कहा जाएगा कि बुद्ध महावीर संपूर्ण मानव जाति के हैं। प्राणनाथ जी यदि संसार में आए हैं तो उनका ज्ञान इस संसार की हर प्राणी मात्र के लिए, हर मनुष्य के लिए है। किरंतन में एक चौपाई आती है, साधो हम देख्या बड़ा तमाशा। श्री जी कहते हैं कि मैं इस संसार को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये क्या तमाशा चल रहा है। साधो हम देख्या बड़ा तमाशा, जगत देख भया मैं विस्मय, देख देख मोहे आवत हासा। श्री जी कहते हैं कि एक तरफ तो मैं बड़ा हैरान होता हूं, जगत देख भया मैं विस्मय और देख देख मोहे आवत हासा, और दूसरी तरफ मुझे इन लोगों पर हंसी भी आती। आपने भी देखा होगा कि गली मोहल्ले में एक छोटा खेल चलता है, एक मदारी होता है जिसके हाथ में डमरू होता है, मदारी डमरू बजाता है और उसने एक बंदर को रस्सी से बांध रखा होता है। जैसे जैसे मदारी इशारा करता है, डमरू बजाता है, बंदर उसी थाप पर नाचता है, सभी लोग बड़ा हंसते हैं, सबका मनोरंजन होता है। सर जी कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है कि जैसे ये संसार कोई तमाशा लगा है, जैसे एक रंगमंच सजा है। जब एक रंगमंच सजता है, जब एक स्टेज लगती है, उस पर अभिनय करने वाले अभिनेता आते हैं, थोड़ी देर अभिनय चलता है, अभिनय समाप्त हो जाता है, फिर पर्दा गिर जाता है। लेकिन ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये भी एक रंगमंच की तरह है। सांख्य दर्शन में यही बात कही गई है कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिलकर के इस संसार को बनाते हैं। प्रकृति एक अभिनेत्री की तरह पुरुष के आगे नाचती है, जब तक उसकी उसमें रुचि है तब तक ये नृत्य चलता है। लोग बदलते रहते हैं, अभिनेता बदलता रहता है, किरदार बदलता रहता है, लेकिन एक बात जो सदैव रहती है वो रंगमंच सदा लगा रहता है। हमसे पहले कोई और था जो इस संसार में, इन्हीं घरों में था, इसी देश में, इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों में पैदा हुआ, एक खेल उन्होंने खेला, फिर वो इस संसार से गए, फिर एक नई पीढ़ी आई, आज हम हैं, एक दिन हम भी इस संसार से चले जाएंगे, और फिर कोई और आएगा, वो भी स्थायी नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये तमाशा चलता रहता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि जितना बड़ा तमाशा उतना बड़ा मदारी। इस सृष्टि को चलाने वाला जो है, इस सृष्टि का नियंत्रण करने वाला जो है, प्रकृति के तीन गुण सत रज और तम जो इस सृष्टि के सभी प्राणियों को एक बंदर की तरह नचा रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। सर जी कहते हैं, मेरी मेरी करत दुनी जात है, कि तू बोझ ब्रह्मांड सर लेवे, पाओ बल का नहीं भरोसा तो भी सर सर्जन को न दे।
इस चौपाई में सर जी ने जो बात कही है, यदि हम अपने जीवन को देखें, यदि हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें, तो हम सभी को लगेगा कि जैसे कोई मेरी कहानी कह रहा है, जैसे किसी ने हमारे मन को पढ़ लिया, जैसे किसी ने संपूर्ण मानव जाति के चित्त और मन को पढ़ लिया, जान लिया, और वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहा है कि मेरी मेरी करत दुनी जात है। हम सब की यही कहानी चल रही है, सब इस मैं की दौड़ में लगे हैं, इस ममत्व की दौड़ में लगे हैं, अपने आप को पूर्ण करने में लगे हैं कि मेरा, मैं कुछ धन कमा लूं, मैं कुछ पद कमा लूं, मैं कुछ ऐश्वर्य कमा लूं, मैं कुछ भोग लूं, मैं कुछ संग्रह कर लूं, मैं एक अमुक पद पर पहुंच जाऊं। कोई अध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है, उसके मन में भी यही बात चलती है कि कुछ मेरा नाम हो जाए, कुछ मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, कुछ लोग मुझसे जुड़ जाएं, चारों तरफ मेरी जय जयकार हो जाए। सर जी कहते हैं कि ये जो मैं है, ये सृष्टि का आधार है। जैसे एक चक्र होता है, एक पहिया होता है, वो अपनी धुरी के चारों तरफ घूमता है, बीच में एक धुरी होती है, ये मैं इस सृष्टि का आधार है, इसी से ये सारा जगत चल रहा है। मेरी मेरी करत दुनी जात है, केतु बोझ ब्रह्मांड सर ले। सर जी कहते हैं कि तुम सबको यही लगता है, हम सबको यही लगता है कि जैसे पूरे ब्रह्मांड का बोझ मैंने ही अपने कंधों पर धारण कर रखा है। घर घर की यही कहानी है, हम सबको यही लगता है कि मेरा जो रोल है, जो मैं कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। बैलगाड़ी के नीचे जब एक कुत्ता चलता है, तो उसे यही लगता है कि जैसे इस संपूर्ण बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूं। छिपकली जब एक छत पर उल्टी टंगी रहती है, छिपकली को यही भान रहता है कि पूरी छत को मैंने ही संभाल रखा है, कि यदि मैं हटी तो ये छत इन लोगों के ऊपर आ गिरेगी। वही परिस्थिति, वही अवस्था हम सभी सुंदर साथ की है कि मेरी मेरी करत दुनी जात है, केतु बोझ ब्रह्मांड सर ले। एक कहानी आपने सुनी होगी कि गांव में महिला रहती थी जिसके पास एक मुर्गा था। मुर्गा प्रतिदिन सुबह बांग देता, सूर्य उदय होता। धीरे धीरे उस बूढ़ी महिला के मन में ये बात घर कर गई कि जब तक मेरा मुर्गा बांग नहीं देता, तब तक सूर्य उदय ही नहीं होता। अक्सर हम ऐसी भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं। अब वो महिला पूरे गांव से लड़ने लगी कि देखो, मैं सबसे विशिष्ट हूं, जब तक मेरा मुर्गा संसार में बांग नहीं देगा, तब तक सूर्य ही नहीं उगेगा। गांव वाले महिला को समझाते कि भला कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी मुर्गे के बांग देने से सूरज का उगने का कोई लेना देना हो? सूरज तो अपने निश्चित समय पर उगता है। लेकिन महिला को लगता है कि नहीं, यदि मेरा मुर्गा बांग ना दे तो ये सूरज ही नहीं उगेगा। एक दिन महिला ने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को मजा चखाऊं, क्यों ना मैं इस गांव को ही छोड़ करके चली जाऊं। उसने गांव वालों को बड़ी धमकी दी कि आखिरी मौका मैं तुम्हें दे रही हूं, तुम सबको चेताई देती हूं, यदि मैं गांव छोड़ करके चली गई तो यदि मेरा मुर्गा बांग नहीं देगा तो इस गांव में सूर्योदय ही नहीं होगा। हर कोई उसके ऊपर हंस रहा है। महिला ने सोचा कि आओ अब मैं इन्हें मजा चखा ही देती हूं। महिला गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में चली गई। अब दूसरे गांव में जैसे ही रात्रि में पहुंची, रात्रि में सोई, सुबह उठी, मुर्गे ने बांग दी और सूरज अपने समय पर उगा। अब महिला सोच रही है कि अब उन गांव के लोगों को मजा आ रहा होगा, देखो यहां मैं इस मुर्गे के पास पहुंची हूं तो इस गांव में सूर्योदय हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य, वो लोग उस गांव के, जिन्होंने इसकी कीमत न समझी, जिन्होंने मेरी कीमत न समझी, और आज बेचारे सब अंधेरे में बैठे। इसको सुनकर के हम सभी को हंसी आ रही होगी, हमें लग रहा होगा कि क्या बुढ़िया की दिग्भ्रमित किस दिग्भ्रम का शिकार है कि भला किसी मुर्गे से सूरज का क्या लेना देना।
लेकिन हम सभी की यही स्थिति है। हमें भी लगता है कि जब तक मेरा बुर्का बांग ना दे तब तक इस संसार का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। सर जी कहते हैं, मेरी मेरी कहत दुनी जात है, केतु बोझ ब्रह्मांड सर लेवे। कि हर कोई यही सोचता है कि पूरे ब्रह्मांड का बोझ मैंने ही अपने कंधों पर लिया हुआ है। कोई ये विचार नहीं करता जब इस सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे व्यक्ति भी संसार में नहीं रहे। योगेश्वर कहने वाले, 16 कलाओं को धारण करने वाले विष्णु के पूर्ण पूर्णावतार भी संसार में नहीं रहे। जब राजा हरिश्चंद्र, राजा मरु, राजा दशरथ जैसे पराक्रमी राजा भी संसार में नहीं रहे। यदि अर्जुन जैसे गांडीवधारी और भीम जैसे बलवान पुरुष भी संसार में नहीं रहे, जब नकुल और सहदेव जैसे विचारशील और सौंदर्यवान पुरुष भी संसार में नहीं रहे, तो आखिर हमारी और आपकी क्या हस्ती है? लेकिन माया का प्रवाह ऐसा है कि हर किसी को ये लगता है कि भले ही इस दुनिया में सब चले जा रहे हैं, एक-एक करके सब इस संसार को छोड़ जाते हैं, लेकिन मेरी हस्ती सदैव बनी रहेगी, मैं इस संसार में सदैव बना रहूं। कोई मरणासन्न है, कोई मृत्यु के समीप भी है, उसे भी ऐसा लगता है कि कुछ पल और मिल जाए, कुछ समय और मिल जाए, कुछ एक घंटा ही और मिल जाए। अस्पतालों में मैंने कई लोगों को अपने सामने दम तोड़ते देखा है। हर किसी की आंखों में निराशा है और हर किसी के अंदर एक वासना है कि अभी थोड़ा और जिए, अभी थोड़ा और जीवन मिले, अभी थोड़ा और इस संसार को देखें। सोचिए, जो तृप्ति 60 साल में नहीं हुई, जो तृप्ति 70 साल में नहीं हुई, जो तृप्ति 100 साल में नहीं हुई, यदि सौभाग्य से किसी को 1 साल, 2 साल, 10 साल मिल भी जाए तो उससे क्या होगा? पाव पल का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न दे। सर जी कहते हैं कि यहां एक क्षण का भी किसी के जीवन का भरोसा नहीं, लेकिन विडंबना क्या है? ये सब जानते हुए भी मनुष्य अपना सिर सर्जन को नहीं देता। उसके हृदय में अध्यात्म के लिए कभी प्रवृत्ति पैदा ही नहीं होती। उसके मन में कभी ये बात ही नहीं आती कि इस मृत्यु से परे कोई अमृत तत्व है, क्यों ना मैं उसका पान करूं। वो कभी विचार ही नहीं करता कि इस तमस से परे एक प्रकाश का स्वरूप है, क्यों ना मैं उसका दीदार करूं। तो भी सर सर्जन को ना दे। सर जी जब मेड़ता से दिल्ली चलने के लिए निकले तो सर जी ने राजा जसवंत सिंह राठौर को चिट्ठी लिखी थी। सर जी ने जसवंत सिंह राठौर को जो चिट्ठी लिखी, उसमें सरजी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। सरजी कहते हैं कि सर साटे तो न देऊं, पर ना ही राखूं अंतर। जसवंत सिंह राठौर अद्वैत वेदांती थे, वेदांत पर उन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे। सरजी ने उन वेदांत के ग्रंथों का सार भी लिख करके दिया, कुछ वेदांती किरंतन भी जसवंत सिंह राठौर के पास भेजे और बहुत सुंदर बात कही कि सर साटे तो न देहूं। कि जसवंत सिंह, ब्रह्म ज्ञान की महिमा तो ऐसी है कि यदि कोई अपना सिर भी उतार करके दे दे तो भी वो इस ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन ना ही राखू अंतर, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी विवशता यह है कि मैं कोई अंतर नहीं रखना चाहता। जो ज्ञान मुझे मिला है, जिस आनंद का मैंने रसा स्वादन किया है, जिस रस को मैंने पाया है, मैं चाहता हूं कि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को मैं उस रस का रसा स्वादन कराऊं। अंधकार से परे, तमस से परे, जिस सूर्यमय आभा वाले पुरुष को मैंने देखा है, मैं चाहता हूं कि हर कोई उसका साक्षात्कार करे। ना ही राखो अंतर, सर साटे तो न देव। इसमें तुम यह मत समझना कि तुम्हारी कोई गरिमा है, या कोई तुम्हारा तप है, या कोई तुम्हारा कर्म फल है जो आज तुम्हें इसकी प्राप्ति हो रही है। लेकिन जसवंत सिंह राठौर के साथ क्या हुआ? उसने सृजी के संदेशे को अनदेखा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी यही बात चल रही थी कि तू बोझ ब्रह्मांड सर लेवे। उसे लगता था कि जैसे मैं ही हूं जो इस पूरे भारत के अंदर
राजस्थान के अंदर केवल एक मैं ही ऐसा राणा हूं जो इसकी धरती की रक्षा कर रहा हूं। उसके मन में भी यही बात आई कि आज समय है, कल मैं धर्म की बातों को जीवन में अपनाऊंगा। आज तो अपनी सीमाओं को थोड़ा और बढ़ा लो, आज मैं अपने राजकोष को थोड़ा और विकसित कर लूं, आज मैं अपने यश को थोड़ा और फैला लूं, आज मैं अपनी संपत्ति का थोड़ा और विस्तार करूं, आज मैं अपने परिवार कुनबे को थोड़ा और बढ़ा लो। समय आने पर मैं इस बात पर विचार करूंगा। लेकिन क्या हुआ, हम सब की नियति एक है। सौभाग्य हमेशा सोता भी नहीं है, लेकिन सौभाग्य द्वार पर बार बार दस्तक भी नहीं देता। नियति हर किसी को मौका देती है, हर किसी के जीवन में वो क्षण आता है जब उसे उस सत्य के करीब लाया जाता है। लेकिन कोई कोई होता है जो उसकी महिमा को समझता है और उस मौके को चूकता नहीं है, उस मौके का पूरा अवसर, उस अवसर का पूर्ण लाभ लेता है। लेकिन जसवंत सिंह चूक गए। हमें भी वाणी के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से बार बार यही प्रबोधित किया जाता है। सृजी ने बार बार अपनी वाणी में कहा है कि अब बहुत दिन विभूति या में कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जात मेरी रूह, तू ना कर निंदा ना बखाना। बहुत दिन विभूति या में, अब बहुत दिन हुए, अब बहुत जन्म हुए, अब एक लंबी यात्रा हुई, अब क्यों ना इस यात्रा पर विराम लगे, क्यों ना ये जो हर रोज की दौड़ धूप है, ये जो हर प्रतिदिन की ऊहा पोह है, क्यों ना ये बार बार जन्मना, क्यों ना ये बार बार मरना, इस चक्रव्यूह से अब बाहर निकला जाए। बहुत दिन बिगुती आमे कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जात मेरी रूह, तू ना कर निंदा ना बखाना। अब तुम चलो चुप कर चतुराई लिए जात, कि मुझे ना किसी की निंदा से मतलब है, ना मुझे किसी की प्रशंसा से मतलब है, ना मैं जीवन के सुख में दुखी हूं, ना मैं जीवन के सुख में अति उच्च रंग बनूं, ना मैं जीवन के दुख में दुखों के अंदर डूब जाऊं, क्यों ना मैं अपने शाश्वत चैतन्य को देखूं, क्यों ना मैं इस संसार से परे अपने आनंदमय स्वरूप में अपने आप को बसाऊं, क्यों ना मैं उस तमस से परे उस प्रकाशमय परमात्मा का साक्षात्कार करूं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इतनी वाणी, इतना पुकार होने के बाद भी हम सबको यही लगता है कि अभी समय है, आज थोड़ा सा संसार का काम कर ले, आज थोड़े घर को संवार ले, आज थोड़ा लोगों से संबंध सुधार ले, आज थोड़ा सा बैंक बैलेंस बना ले, आज थोड़ा सा अपने आप को किसी पद पर प्रतिष्ठित कर ले, आज थोड़ा नाम कमा ले, आज थोड़ा यश कमा ले, धर्म के लिए अभी बहुत समय है। तो भी सर सर्जन को न देवे, चारों तरफ से ज्ञान की ऐसी बौछार होने के बाद भी हृदय में ये भावना नहीं आती, सर सर्जन को न देवे। सर सर्जन को देने का मतलब क्या है कि यदि जिसे आपको यदि जीवन में सत्य ज्ञान मिला, जिसके माध्यम से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, हम अपना मस्तक उसे झुका दें। मस्तक झुकाने का मतलब क्या होता है कि उनकी बातों को शिरोधार्य कर लें, कि आज से जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा होगा। जैसे देवचंद्र जी के बारे में आपने अभी तक में सुना होगा, देवचंद्र जी एकादशी के दिन भोजन करते थे, द्वादशी को व्रत रखते थे। देवचंद्र जी कहते थे कि जिस दिन शरीर को आहार ना मिला उस दिन, जिस दिन आत्मा को आहार ना मिला उस दिन मैं शरीर को भी आहार नहीं देता। भट्ट जी कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को भागवत सुनाई, एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन मैंने देवचंद्र जी एक ऐसा पहला व्यक्ति देखा है जो भागवत को सुन नहीं रहा, वो भागवत को जी रहे हैं। उसमें जो शिक्षा दी गई है, एक एक शिक्षा को जीवन में जिसने अपनाया है वो मेरे सामने है। हम जाहिरी रूप से तो सिरजी के सामने सिर झुका रहे हैं, मंदिर में भी जाते हैं, वाणी को भी पढ़ते हैं,
लेकिन जो कहा गया है उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे। सर जी कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या तमाशा लगा है। जगत देख भया में विस्मय, देख देख मोहे अवत हंसा। सामान्य रूप से जब कोई धार्मिक व्यक्ति बोलता है तो वो हमेशा अधार्मिक व्यक्तियों पर चोट करता है, धार्मिक व्यक्तियों की गरिमा को सुरक्षित रखता है। लेकिन इन धर्म ग्रंथों के इतिहास में मुझे लगता है कि श्री जी पहले ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने संसार के लोगों से ज्यादा फटकार धार्मिक लोगों को लगाई। श्री जी कहते हैं कि समझे साध कहावे दुनी में, कि मैं धार्मिक लोगों को भी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ये अपने आप इन्होंने कल्पना कर ली है कि कोई एक पूजा पद्धति, कोई एक संस्कार विषय को यदि हम अपना लेते हैं तो धार्मिक बन जाते हैं। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद भीतर आग जले भरम की, याविद छूटे ना कोई फंद। कि अपने आप को साधु मानते हैं, दुनिया में अपने आप को साधु की तरह दिखाते हैं, बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनके जीवन में कितना आनंद बरस रहा है। सर जी कहते हैं कि यदि उनकी मना स्थिति को देखा जाए, भीतर आग जले भरम की, केवल भरम की आग ही जल रही है, न जीवन में कोई आनंद है, न जीवन में कोई सत्य ज्ञान है, केवल कुछ सिद्धांत है, केवल कुछ बातें हैं, उनको दोहरा करके खुद भी सोचते हैं कि हम साधु हुए। समझे आप कहावे दुनी में, अपने आप को साध समझते हैं और दूसरों दुनिया में भी अपने आप को साधु कहलाते हैं। अभी स्वामी जी ने नवरात्रि के विषय में कहा, मैं एक बहुत 3-4 साल तक मैं दिल्ली में रहा, मैंने नवरात्रि के समय क्या आडंबर चलता है उसे अपनी आंखों से देखा। कालका जी मंदिर के पास मैं रहता था, जब नवरात्रि का समय आता है बड़े बड़े जागरण होते हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं जिसमें देवी के नाम की अरदास लगाई जाती है, 11 रुपए की अरदास, 21 रुपए की अरदास, 51 रुपए की अरदास। मैं जब इसको देखता था मेरे मन में हमेशा एक विचार आता था कि भारत ने एक ऐसा समय देखा है जब नचिकेता जैसे किशोर ने बड़े से बड़े प्रलोभन को ठुकरा दिया केवल उस सत्य ज्ञान के लिए। नचिकेता को यमाचार्य कहते थे कि नचिकेता तुम जब तक जीना चाहो मैं तुम्हें वो आयु दे सकता हूं, यावत जीवत, कि तुम जब तक जीना चाहो, शतायु पुत्र पौत्रान, 100 वर्षों तक जीने वाले तुम्हें पुत्र और पौत्र प्राप्त हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बहुन पशु न हस्ति हिरण्यम अश्वान, कि तुम्हें बहुत पशुधन मिले ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं। यावत जीवेत, जब तक तुम जीना चाहो मैं तुम्हें ये भी इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, लेकिन तुम मुझसे ब्रह्मज्ञान की बात मत करो। लेकिन जानते हैं नचिकेता ने क्या कहा, किशोर अवस्था है उसकी, कुछ रही होगी 12-14 साल की उम्र। नचिकेता ने तुरंत दो शब्द कहे। नचिकेता ने पहला शब्द कहा श्वो भावा, कि कल नहीं रहेगा, आपके पास जो भी देने के लिए है वो कल नहीं रहेगा। और दूसरा शब्द नचिकेता ने कहा न वित्तेण तर्पणीयो मनुष्य, कि धन से कभी भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। एक छोटा सा किशोर बच्चा ये जानता है कि न वित्तेण तर्पणीयो मनुष्य, वो बड़े से बड़े प्रलोभन को आत्मज्ञान के लिए ठुकरा रहा है, ब्रह्म ज्ञान के लिए ठुकरा रहा है, ब्रह्म के लिए ठुकरा रहा है। मैं जब इनको देखता था, इन मंदिरों की इन अरदासों को देखता था, मुझे लगता था कि परमात्मा एक बहुमूल्य एक वस्तु थी नचिकेता के समय। लेकिन आज उस परमात्मा की कीमत क्या है, 11 रुपए की अरदास, 21 रुपए की अरदास, 51 रुपए की अरदास, 100 रुपए की अरदास। कहां से कहां पहुंच गया भारत देश, इससे बड़ा धार्मिक पतन क्या हो सकता है कि आप एक देवी देवता के सामने 11 रुपए रख रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा अमुक कार्य हो जाए, जिस परमात्मा ने इस असंख्य ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है।
जो परमात्मा इन असंख्य नील गंगाओं गैलेक्सीज को चलाने वाला है। कितना हास्यास्पद है कि कोई मिट्टी के दो कंकड़ उसके सामने जाकर के धौंस दिखाता है कि मैं तुम्हारे सामने ये 100 रुपए रख रहा हूँ, 51 रुपए रख रहा हूँ, 21 रुपए रख रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। ये दिखाता है कि भारत में धार्मिक मूल्यों का कितना पतन हो चुका है। कभी इस देश के अंदर धर्म हिमालय की शिखर पर सुशोभित होता था, आज वो रसातल में पहुंच गया है। धार्मिक मूल्य ही बदल गए, सारे सिद्धांत बदल गए, न जाने शाश्वत धर्म का स्वरूप कहाँ खो गया। सर जी कहते हैं कि समझे साध कहावे दुनी में, कि अपने आप को भी समझते हैं और दुनिया में दिखाते भी ऐसे हैं कि जैसे हम जैसा कोई है ही नहीं। और बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमें भी ऐसा लगता है कि तारतम लेने के बाद हम घोषणा कर देते हैं कि आज से हम ब्रह्म सृष्टि हुए, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, दुनिया में भी अपने आप को ब्रह्म सृष्टि की तरह दिखाते हैं। सबके मन में कल्पनाओं के पुल बंधे हैं कि चाहे कुछ करें या ना करें, सिर जी इस संसार में आए हैं, अक्षरातीत इस संसार में आए हैं, एक ना एक दिन तो ब्रह्मांड अखंड होगा, जीवों को भी अखंड मुक्ति प्राप्त होगी, मेरा धाम तो परम धाम है। इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद जिसे कहते हैं कि हमारी सीट तो रिजर्व है, हमें परम धाम में पहुंचना है। सुखपाल आएंगे, सुखपाल में बैठ करके हम परम धाम में पहुंच जाएंगे। सर जी कहते हैं कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंच जाते। सबको बड़ा अच्छा लगता है नूर बाग फूल बाग, जब चर्चनी कराई जाती सबको उसमें बड़ा रस आता है, क्योंकि सबके मन में गहरे में कहीं ना कहीं वासनाओं के ढेर लगे हैं। जो एक 1 BHK में रहता है, छोटे से घर में रहता है, उसको लगता है कि किसी तरह से ये जीवन बस कट जाए, उसके बाद तो माणिक पहाड़ है, पुखराज पहाड़ है, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, बड़े बड़े वन हैं, उसमें खूब आनंद होगा, रमण होगा। कोई ये नहीं सोचता कि सर जी शर्त क्या रख रहे हैं, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे। हम सभी ने एक ब्रह्म सृष्टि का टैग अपने ऊपर लगा लिया है, हमें लगता है कि बस अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बात को हम सदैव स्मरण रखें कि ब्रह्म सृष्टि जो शब्द है, ये बहुत ऊंचा शब्द है, इसकी बड़ी गरिमा है। केवल अपने आप को सोच भर लेने से कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं हो जाता। ब्रह्म सृष्टि का मतलब है कि जो त्याग समर्पण बलिदान और प्रेम की अमर मूर्ति है। ब्रह्म सृष्टि किसे कहते हैं, यदि आपको देखना है तो आप बीतक के अंदर लालदा जी के जीवन को देखिए, आप महाराजा छत्रसाल जी के जीवन को देखिए। यदि कोई प्रवाही समाज का व्यक्ति लालदा जी को देखता होगा तो लगता होगा कि इनके जैसा गृहस्थ कोई नहीं हो सकता। 36 कारखानों की सेवा लाल जी के पास है। सबको लगता होगा कि दिन भर जो ये सारा दिन बही खातों में लगे रहते हैं, इधर का हिसाब उधर का हिसाब, इनके जैसा तो गृहस्थ ही कोई नहीं हो सकता। अगर कोई प्रभाई महाराजा छत्रसाल को देखेगा, महाराजा छत्रसाल का जीवन का प्रत्येक दिन जो है संघर्ष से जूझ रहा है, आज इधर युद्ध हो रहा है, आज उधर युद्ध हो रहा है, 152 युद्ध महाराजा छत्रसाल जी ने लड़े, राजमहल में रहते हैं। छत्रसाल जी को कोई देखता होगा तो सोचता होगा कि इनके जैसा भोगी विलासी राजा कोई नहीं होगा। लेकिन चाहे लालदास जी हो या छत्रसाल जी हो, ये वास्तव में ब्रह्म सृष्टि है। श्री जी ने जिस ब्रह्म सृष्टि की परिभाषा दी है, वो खेले प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर माए, कि भले ही देखने को लग रहा हो कि इनका तन सागर में है, लेकिन लालदास जी की आत्मा प्रतिपल युगल स्वरूप का साक्षात्कार करती है, उस प्रेम और आनंद के रस में डूबी है। महाराजा छत्रसाल दिन में लड़ाई लड़ते हैं, मोर्चा संभालते हैं, लेकिन शाम को जब वही महाराजा छत्रसाल अपने महल में लौटते हैं, तो उनकी लेखनी से सृजी की ऐसी सुंदर महिमा लिखी जाती है
जिसको देख करके कोई नहीं कह सकता कि ये एक योद्धा की वाणी है। हम ब्रह्म सृष्टि की महिमा को समझें, हम हंसी का पात्र न बने। सर जी जैसा कह रहे हैं कि समझे साध कहावे, दुनी में बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की। हम भले ही अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानते रहें, दुनिया में अपने आप को ब्रह्म सृष्टि जाहिर करते रहें, लेकिन यदि हमारे अंदर भ्रम की आग जल रही है, यदि हृदय में आज भी संसार के अवगुण यथा तथा पड़े हुए हैं, यदि आज भी हृदय के अंदर वासनाओं का ढेर लगा है, यदि आज भी हृदय में ईर्ष्या और द्वेष के गंदे नाले बह रहे हैं, तो हमें विचार करना होगा कि हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते। तो मैं अपनी वाणी में सार रूप में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे सर जी कहते हैं कि हम देखिया बड़ा तमाशा, कि मैं देखता हूं इस संसार को तो मुझे लगता है कि क्या तमाशा चल रहा है। ग्रस्त लोगों को देखता हूं तो उनमें भी एक जुनून छाया है, न जाने कौन से ब्रह्मांड के बोझ को अपने सिर पर रख करके ढो रहे हैं। संन्यास्त लोगों को देखता हूं, धार्मिक लोगों को देखता हूं, तो उनको देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भीतर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन बाहर से अपना रूप ऐसा बनाया है कि जैसे कोई आनंद की रसधारा बह रही है। सर जी कहते हैं कि एक आग दुनी को अगुओं को आग दोए, कि चाहे संन्यास्त है चाहे कोई गृहस्थ है, सब पर माया हावी होकर के रणचंडिका की तरह नृत्य कर रही है। हम सब सृजी ने जो हमें दृष्टि दी है, सृजी ने जो हमें ज्ञान दिया है, हम उस ज्ञान की कीमत को समझें। हम जसवंत सिंह की तरह ये ना सोचें कि आज थोड़ा सा और अपने आप को फैला ले, आज थोड़ा अपने आप का और विस्तार कर ले। समय आने पर हम इन आध्यात्मिक मूल्यों पर विचार करेंगे, हमारे जीवन का हिस्सा हो, हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सबकी ब्रह्मवाणी पर अटूट आस्था हो, हम सभी सृजी के प्रति समर्पित हो, नतमस्तक हो, कि आपकी कृपा, आपका वरद हस्त। हमने ब्रह्मवाणी में जब ब्रह्मवाणी को पढ़ते हैं तो सृजी ने एक बहुत सुंदर संबोधन अक्षरातीत के लिए प्रयोग किया है, कृपा सिंध। कृपा सिंध का मतलब क्या है कि जो कृपा का सिंधु है, जो कृपा का सागर है, कृपा सिंधु जो मेहर का सागर है, मेहर का सागर कृपा का सिंधु हम पर इस ज्ञान की अलौकिक वर्षा कर रहा है। हमें इस क्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत का साक्षात्कार करा रहा है, हमें बार बार ये प्रबोधित कर रहा है कि ये संसार में जो चारों तरफ खेल चल रहा है, क्यों ना तुम विचार करो, क्यों ना हम विचार करें कि हम असत से परे सत्य को देखें, क्यों ना हम तमस से परे उस प्रकाश का साक्षात्कार करें, क्यों ना हम मृत्यु से परे उस अमृत को जाने और उसको पाकर के अमृत को प्राप्त हो जाए। सर जी की यह वाणी गर्जना कर रही है, हम सभी सुंदर साथ इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, हम इस तमाशे का हिस्सा न बने, हम नट न बने। हम जाने कि ये संसार मुझसे पहले भी चल रहा था, आज मैं हूं तो भी चल रहा है, यदि मैं चला जाऊंगा तो भी यूं ही चलता रहेगा। सभी सुंदर साथ बार बार प्रश्न पूछते हैं कि महाप्रलय कब होगी, महाप्रलय कब हो, आखिर इस प्रश्न का क्या औचित्य है, इस प्रश्न से किसी की आत्म जागृति का क्या औचित्य है। हमारे प्रश्न जीवंत हो, हम हमेशा अपने आप से पूछें कि मैं कब जागूंगा, मेरी नींद कब टूटेगी, मैं कब इन जीवन के अंदर इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारूं, मेरे जीवन में ऐसा मौका कब आएगा जब लालदास जी की तरह मैं भी अपने ऑफिस में बैठा हूं, मैं भी अपने बिजनेस में बैठा हूं, मैं भी संसार के कार्यभार संभाल रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में धारण किए बैठी। मेरे जीवन में ऐसा अवसर कब आएगा कि जब मैं भी महाराजा छत्रसाल की तरह जीवन के द्वंद्वों से लड़ रहा हूं, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय यश अपयश से लड़ रहा हूं, लेकिन हृदय के भीतर एक स्थिरता है, एक स्थित प्रज्ञता है, मेरा स्वरूप इन दोनों से परे है, मेरा स्वरूप द्वंद्वों से परे है, मैं कब अपने अंदर स्थित हो जाऊं,
हम अपने भीतर लौटें। इस संसार में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिस गृहस्थ आश्रम में आप रह रहे हैं, सर जी ने न कभी गृहस्थ की निंदा की न कभी संन्यास की महिमा गाई। सर जी कहते हैं कि जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, जो इस संसार से अपने आप को विरक्त मान चुका है, जो संसार के द्वंद्वों से परे हो चुका है, भले ही वो संसार में रहे, ग्रस्त रहे, विरक्त रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम वाणी के इन आदर्शों को, इन वचनों को अपने जीवन में धारण करें। हम इस खेल का हिस्सा न बने, हम अपने आप को इस तमाशे की भेंट न चढ़ाएं, ताकि हमारी हंसी ना हो। और यही हंसी हम, हमें लगता है कि परमधाम में जागेंगे तो हमारी हंसी होगी, लेकिन हम जीवन में अपने आप को देखेंगे। मुझे लगता है कि तारतम वाणी के प्रकाश में यदि कोई अपने जीवन का मूल्यांकन करेगा, वो यहीं बैठे बैठे अपने जीवन पर हंसेगा। जैसे सर जी ने कहा कि मेरी मेरी करत दुनी जात है, हम यदि सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर ये प्रवाह अनादि रूप से चला आ रहा है और अनवरत रूप से चलता रहेगा, मुझे ये जो जीवन मिला है वो क्षण भंगुर है, मेरे पास एक बहुत ही निश्चित समय है, मेरे पास एक बहुत ही निश्चित ऊर्जा है, क्यों ना मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊं, क्यों ना मैं अपने समय का सही उपयोग करूं, क्यों ना मैं अपने जीवन से कुछ ऐसा पाऊं जो इस संसार की प्रत्येक वस्तु से ज्यादा मूल्यवान है। ब्रह्मवाणी की इस प्रकाशमयी विचारधारा में हम सभी प्रतिदिन आगे बढ़े, हर रोज नित्य संकल्प करें, हर रोज माया हमारे सामने उपस्थित हो, लेकिन हम सृजी के आशीर्वाद से दोबारा खड़े हो जाएं और इस मार्ग पर चलें। बाधाएं आएंगी, सैकड़ों विपत्तियां आएंगी, लेकिन हम हार न माने। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी सुंदर साथ तारतम वाणी के इन वचनों को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। आप सभी के दाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत पर ब्रह्म को मेरा। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।